क्या हाल है सबके, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइस। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बचपन से आपका एक सपना था ना कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, मुझे 5-स्टार होटल्स में जाके फ्री में रहना है, अपने फैमिली को ट्रैवल करवाना है जगह जगह, आपको प्राउड फील होगा इससे, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एयर इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरलाइन इन इंडिया, विच वॉज ऑपरेटेड इन 1932। जी हाँ, इंग्लिश में थोड़ा बात कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू गाइस टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। 1932 में पहली बार उन्होंने ऑपरेट किया था। मुंबई में इनका हेड ऑफिस है। ये अभी फ्रेशर्स कैबिन क्रू को हायर कर रहे हैं। जी हाँ, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है पीछे लैपटॉप में, दिखाऊंगा अभी आपको। बस क्लास 12 पास, अगर आपने बस पास किया है, इंटरनेशनल एयरलाइन हो, डोमेस्टिक एयरलाइन हो, कतर एयरवेज हो, जेट एयरवेज हो, हर एयरलाइन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपका भाई। जैसे आपको पता है कि मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, सुबह 4 बजे से मैं काम करना शुरू करता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ, नहा के ब्रश करके, नहाता तो नहीं हो चलो इतना सुबह, ब्रेकफास्ट करके जो भी, इतना सुबह मैं काम करने बैठता हूँ दोपहर के 1 बजे तक। अभी 2 बज रहा है दोपहर का, अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबसे पहले आप जाके अप्लाई कर पाओ, ठीक है। बात करते हैं एज क्या है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 32 फॉर बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको जो हाइट है लड़कियों के लिए है 157, फॉर गर्ल्स 157, लड़कों का है 172, ठीक है। उसके बाद BMI का मतलब क्या होता है, थोड़ा तो यार खुद भी मेहनत कर, गूगल में जाके BMI कैलकुलेटर टाइप करो, अपना हाइट वेट डालो, आपको आपका BMI मिल जाएगा, ठीक है। लड़कियों के लिए BMI होना चाहिए 18 से 22 के अंदर, लड़कों के लिए होना चाहिए 18 से 25 के अंदर। अगर इसके अंदर है तो यू आर गुड टू गो, अगर इसके अंदर नहीं है तो थोड़ा एक्सरसाइज करो, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, इतना आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, सब्सक्राइब करो, अगले वैकेंसी पे फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, अभी कर दो। उसके बाद वेल ग्रूम्ड एंड फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश। हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने घर वालों से बात करो, बुक्स पढ़ो। मैं अभी तक इंग्लिश BBC न्यूज़ देखता हूँ हर दिन ताकि उनका प्रोनंसिएशन मैं कैप्चर कर पाऊँ। अपने दोस्तों से बात करो, किताबें पढ़ो। मैं अभी रिच डैड पोअर डैड पढ़ रहा हूँ, जितना मैं बात करता हूँ ना इंग्लिश में उतना मेरा वोकेबुलरी क्लियर होता है। आप भी ट्राई किया करो बात करने का, ठीक है। नहीं होता तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे वॉइस नोट खेलेंगे, ठीक है, मैं भेजूंगा फिर आप भेजना, ऐसे ऐसे खेलेंगे, ठीक है। मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक इंसान को जितना भी मुझसे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका काम क्या रहेगा एज ए कैबिन क्रू। आपका जो काम है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। मानो कोई पैसेंजर प्रेग्नेंट है, मानो किसी को हार्ट अटैक है, किसी को पेट में दर्द है, हर एक चीज़ के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और याद रखना, कोई भी अगर आपको कॉल करके पैसे मांगे ना एयरलाइन के लिए इंटरव्यू के लिए, उनको 2-3 गाली दे के फ़ोन रख देना। एयरलाइन इंटरव्यूज़ के लिए कभी पैसे नहीं लगते, ठीक है, ये लोग फेक एजेंसीज होते हैं। इसके बाद आपका जो काम है डेली रिपोर्ट प्रिपेयर करना, एंटी सबोटैज चेक करना। एंटी सबोटैज क्या होता है, मानो एक एयरक्राफ्ट आके दिल्ली में उतरी और जो पैसेंजर से किसी ने कोई सामान भूल गया, कोई लाइटर भूल गया या कुछ नाइफ चाकू भूल गया, अलाउड तो होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मानो चाकू भूल गया, आपको चेक करना है कि ऐसा कोई भी सामान वहाँ पे ना हो जो इमरजेंसी क्रिएट कर सके या हाईजैकिंग क्रिएट कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको डेली रिपोर्टिंग में भी मेंशन करना होता है और बहुत सारा काम करना होता है सब, इस वीडियो में तो नहीं बोल सकता, थोड़ा हंसी मजाक में करता रहता हूँ ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग बने और आप सबसे पहले अप्लाई कर पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। अपने स्क्रीन पे देखो, ये जो लिंक है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। क्लिक ऑन अप्लाई बटन, उसके बाद आपको अपना इंटरव्यू लोकेशन चूज करना है, जिस लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। अपना नाम डालो, फ़ोन नंबर डालो, बेसिक चीज़ें, एड्रेस डालो, कहाँ रहते हो वो डालो, उसके बाद अपना रेज्यूमे डालो, ठीक है। रेज्यूमे कैसे बनाना है, अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर है उसको डालो, नहीं है फ्रेशर हो तो अपने नाम को डालो, एजुकेशन डालो, सबसे ऊपर अपना ग्रेजुएशन क्लास 12-10 डालो, ग्रेजुएशन नहीं किया तो 12-10 डालो, परसेंटेज डालो, कॉलेज का नाम डालो, फिर अपने हॉबीज़ डालो, रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेटिंग विद पैसेंजर्स, जो भी है वो डालो। उसके बाद अगर आपको कोई मतलब वॉलीबॉल में नेशनल खेला है या फिर डांस आता है तो वो सारी चीज़ें लिख दो साइड में, इस तरीके से बनाया जाता है। और एक प्रॉपर फॉर्मेल में अपना फ़ोटो डाला करो, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना उन्हीं को रिप्लाई आएगा। तो हर एक इंसान, अगर आप 17 साल के हो,
अगर आपको पता नहीं है एयरलाइंस में क्या करना होता है, अगर आपने अप्लाई किया तो एचआर हर इंसान को रिप्लाई नहीं करेगा। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो ही आपको एक रिप्लाई मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर कोई भी डाउट होता है कैबिन क्रू के बारे में, कैसे ग्राउंड स्टाफ को ज्वाइन करना चाहिए, कैसे कॉरपोरेट में एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज में, दिल्ली में, बेंगलोर में कैसे काम करना है, मैं भी अमेरिकन एक्सप्रेस में करता हूँ, यहाँ पे कैसे काम करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, जितना मुझसे होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं पहले इंटरव्यू देता था ना, मैं इतने पैसे खर्च करके जाता था, ट्रैवलिंग में लगते हैं भाई, होटल में रहूँगा, वैसे एक रात स्टेशन पे भी मैंने जयपुर भी गुजारा है, पर ठीक है वो सारी पुरानी बातें हैं। पहले मंथ की सैलरी के साथ ना आपका पूरा ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। ज़िंदगी में हार मत मानना, अपने मम्मी पापा से हमेशा प्यार करो। टिल द नेक्स्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी मिलता हूँ, टेक केयर, बाय।